जिसके मेंबर मुश्ताक साहब हैं, तो हम गवर्नर साहब का और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का और डिप्टी कमिश्नर रियासी मैडम जी का शुक्रिया अदा करते हैं, हजार बार शुक्रिया अदा करते हैं कि जो कि मैडम जी ने इस इलाके का दौरा लगाया, चसाना ब्लॉक में मैडम जी ने बैठ के मीटिंग ली और आज तक ऐसी मीटिंग किसी ने नहीं ली, क्योंकि बड़े बड़े डिप्टी कमिश्नर आए, वो कुर्सियों पर बैठते थे और मैडम जी ने नीचे जमीन पे बैठ के गरीब को अपने दाएं बाएं बैठा के मीटिंग ली और हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं और बहुत सारी स्कीमों का हमें पता दिया। तो आज हम इस वक्त पंचायत कुंडरदान ए वार्ड नंबर एक, मुश्ताक साहब जिस वार्ड के मेंबर हैं, वार्ड नंबर एक पंचायत कुंडरदान ए, हमने ये काम जो है खड्डों का जो जो काम है वो हमने वहीं से स्टार्टिंग किया है, तो जगह जगह काम लगे हैं। हम नरेंद्र मोदी जी के, गवर्नर साहब के, मैडम जी के शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने ये स्कीमें लागू की, क्योंकि जमीन जो थी वो नीचे से बिल्कुल खुशक हो चुकी थी, तो इसमें कोई सब्जी नहीं उगती थी, कोई मक्की फसल नहीं उगता था, क्योंकि हमारा जो डिपेंड है इसी मक्की पे है, तो इसलिए हम इनका बहुत बहुत इनके मशकूर व ममनून है कि जिन्होंने ये काम शुरू किए और हर हर स्कीम को टच किया और गरीब को पता दिया कि ये स्कीमें हमने ऊपर से आपके लिए लागू की हैं। खास करके पंचायत एक कुंडरदान है कि बानो जो है वो इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हैं कि जिन्होंने ये स्कीमें लागू की। इंशाल्लाह जो भी सरकार की तरफ से स्कीमें आएंगी उनमें हम जितने भी गरीब लोग हैं हम उनसे वाबस्ता रहेंगे और वो स्कीमें जो हैं उनको इंशाल्लाह हम उनसे टच रहेंगे और सरकार का शुक्रिया अदा करेंगे और खास करके जनाब सत्यपाल मलिक गवर्नर साहब का कि जिन्होंने ये इतनी स्कीमें लागू की और एक तो लोगों के काम होंगे, दूसरे लोगों को जो है मेहनत मजदूरी है मशक्कत जो करेंगे उनका वो रोजगार भी चलेगा। इससे मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा और बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब का और आदाबाज, जय हिंद, जय भारत, जय माता, अस्सलाम वालेकुम।